guys, welcome to my channel Beauty Style Lata. Today I will show you red and black and golden eyeliner cut with eye makeup. तो ये है आई मेकअप. If you like my video, then please like, share, comment, and don't forget subscribe to my channel. Thank you. कलर बार का प्राइमर यूज कर रही हूँ. ये जेल फॉर्म में प्राइमर है और ये मैं नोज में और चीक पे लगा लूंगी. इससे ओपन पोर्स क्लोज हो जाएगा और फाउंडेशन अच्छे से सेट हो जाएगा. अब मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ. ये मेवलिन एज रिवाइन कंसीलर है और इसका शेड है कैरामेल शेड. मैं ब्रश से पहले लगा रही हूँ. अब मैं मिस क्लियर के आईब्रो पेंसिल से आईब्रो कर रही हूँ. इसका शेड है ब्राउन शेड. कंसीलर मैं फिर से यूज़ करूँगी और ये आईज पे फिर से और एक बार लगा लूँगी और ब्रश से आईब्रो को अच्छे से क्लीन करूँगी और शार्प करके आईब्रो को कर लूँगी. अब मैं ये आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन कलर जिसमें मार्क किया हुआ है, ये ब्राउन कलर मैं क्रीज के ऊपर में लगा लूँगी और इसको अच्छे से डैब डैब करके पहले मैं लगाऊँगी, क्योंकि मैंने कंसीलर लगाया उसके ऊपर मैंने लूज पाउडर नहीं लगाया है. तो ऐसे डैब डैब करके मैं ये लगा लूँगी आई शेडो और इसको हल्का सा विंग करूँगी मैं. अब मैं ये आई शेडो पैलेट से ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ. ये ब्लैक कलर मैं आईज़ के आउटर कॉर्नर पे ब्लेंड करूँगी अच्छे से. और विंग के जैसे मैं हल्का विंग करूँगी और आईज के मिडिल तक मैं लेके जाऊँगी. अब मैं कंसीलर ब्रश से आईज के इनर कॉर्नर को थोड़ा कंसील कर लूँगी, क्रीज कर लूँगी. अब मैं ये आई शेडो पैलेट से ये रेड कलर यूज़ करूँगी. ये रेड कलर मैं आईज के इनर कॉर्नर से लेके ब्लैक के एजेस जहाँ तक है मिडिल तक, वहाँ तक मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी. अब मैं ये ग्लिटर पैलेट, आई शेडो ग्लिटर पैलेट है, इसमें से ये रेड ग्लिटर मैं यूज़ करूँगी. ये मैं छोटे से ब्रश से आईज़ के इनर कॉर्नर में जहाँ पर मैंने रेड कलर लगाया था मैट रेड, उसी के ऊपर मैं ये ग्लिटर रेड मैं लगा लूँगी. अब मैं आईलाइनर यूज़ करूँगी. आईलाइनर को मैं सिंपली लगा लूँगी नॉर्मल.
फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ मेबलिन सुपरस्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर मैं लोअर आइज पे लगा लूँगी, नोज़ पे लगा लूँगी, चिन में लगाऊँगी, फोरहेड में भी और चीक पे। अब मैं कंसीलर ब्रश से आइज़ के आउटर कॉर्नर को मैं अच्छे से क्लीन करूँगी कि एकदम शार्प विंग दिखे। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर लूँगी। जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर लगाया है वहाँ वहाँ मेरे फेस में ग्लोइंग और हाईलाइट जैसे दिखेगा। मैं के रोज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये मैं ब्यूटी ब्लेंडर से पूरे फेस में लगा लूँगी अच्छे से। इससे ये होगा कि मैंने जो फाउंडेशन और कंसीलर लगाया है ये अच्छे से सेट हो जाएगा, ऑयली और पैची लुक नहीं होगा। अब मैं लोअर आइज़ पे पतले से ब्रश से ब्राउन कलर जो मैंने अपर आइज़ में क्रीज के ऊपर यूज़ किया था वही मैं लोअर आइज़ पे यूज़ कर लूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं एंगुलर ब्रश से लोअर आइज़ पे वाटर आईलाइनर के बाहर ब्लैक कलर के आई शैडो लगा रही हूँ। और विंग को थोड़ा मैं डार्क ब्लैक कर लूंगी। अब मैं ब्रश से जो ब्लैक आई शैडो लगाया है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं ये गोल्डन आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, ये मिस क्लियर के आईलाइनर है। ये मैं क्रीज के ऊपर जहाँ पर मैंने रेड कलर लगाया है तो इसके ऊपर से मैं आईलाइनर लगा लूँगी जहाँ तक रेड है। अब मैं ये लाइट पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ, ये मैं आईब्रो को हाईलाइट कर रही हूँ। अब मैं आईलैशेस कर्लर से आईलैशेस कर्ल कर लूँगी। अब मैं मेबलिन के काजल यूज़ कर रही हूँ, ये मैं लोअर आइज पे लगा लूँगी काजल। अब मैं शैम्बर के मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, ये अपर आईलैशेस और लोअर आईलैशेस पे मैं मस्कारा लगा लूँगी। अब मैं पैक के कॉन्टूर पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये मैं चीक पे मैं कॉन्टूर कर लूँगी। फोरहेड में भी मैं कॉन्टूर कर लूँगी। और जॉ लाइन में भी मैं कॉन्टूर कर लूँगी। मैं नोज में भी कॉन्टूर कर लूंगी। अब मैं शुगर कॉन्टूर पैलेट से ब्लश यूज कर लूंगी। अब मैं मेबलिन मास्टर क्रोम के हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, ये चीक पे मैं हाइलाइटर कर लूंगी। चिन में भी हाइलाइटर कर लूंगी।
नोज पे मैं हाइलाइटर कर रही हूँ फिंगर से। अब मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। ये लिपस्टिक शुगर की लिपस्टिक है और इसका शेड है 52 नंबर शेड। ये रेडिश रेड है। अब मैं कलर बार के फिनिशिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। अब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से इसको फिनिशिंग कर लूँगी। मेकअप कंप्लीट हो गया है। तो ये है मेरे फाइनल लुक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।